अभी लेट अस स्टार्ट द स्टोरी सभी सीट्स राइट डोंट टर्न योर हेड और टिल्ट योर हेड हियर एंड देयर ओनली फोकस ऑन माय स्टोरी द नेम ऑफ द स्टोरी इज व्हाट स्टोरी मींस इट इज हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट देयर आई एम टेलिंग व्हाट वाज देयर व्हाट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्यूचर दिस स्टोरी का नाम है सभी मेरे साथ बोलो फ्यूचर इंडिया ब्राइट इंडिया बोलो फ्यूचर इंडिया ब्राइट इंडिया। हाँ सभी बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना आज हम सभी हमारे भारत का इतिहास को तोड़ा उस पर प्रकाश डाले आज का दिन हम देख रहे हैं कहा देखे तो बेतुकु का वातावरण तनाव का वातावरण गरीबी ओवर पॉपुलेशन पॉल्यूशन ये सब कुछ भारत जिसे हम सारी विश्व के लिए लाइट हाउस कहते हैं भारत को क्या नाम दिया जाता है लाइट हाउस इसी भारत को दूसरा नाम से भी बुलाया जाता था सोने की चिड़िया गोल्डन स्पैरो क्या बोला था सोने की चिड़िया आज हम सारी दुनिया में कितनी प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न रूप देख रहे हैं लेकिन इतिहास के पहले टाइम में यानी अब से 5000 वर्ष पहले हाउ मेनी इयर्स बैक इस भारत को वसुदैव कुटुंबकम कहते थे क्या कहते थे भारत को हाँ कितने साल के पहले 5000 इयर्स समझ में आ गए ना क्या है वसुदैव कुटुंबकम बनना आज के जीवन में हम देखते हैं किसी का भी जीवन में सुख नहीं किसी को पैसा ज्यादा होता है लेकिन बीमारी ज्यादा होता है किसी को बीमारी नहीं होता है पैसा होता है किसी को पैसे होता है पैसे भी ज्यादा होता है बीमारी भी नहीं होते है और मन खराब होता है मन क्या होता है खराब किसी को मन भी अच्छा होता है लेकिन उसके साथ कोई भी अच्छी तरह से उसको संबंध नहीं होता है तो चार प्रकार से दुख ही दुख है आज की जमाने में लेकिन पहले जमाने में चार प्रकार से सुख ही सुख है क्या क्या सुख था तन का सुख मन का सुख धन का सुख जन का सुख बोलो जन तन मन धन जन समझ में आ गया ये सुख था उसको क्या कहते थे उसको अलग अलग नाम से हमारा भारत को पुकारते थे देखो बच्चे आप सब जानते थे जैसे देखा जाए तो 2000-3000 वर्ष के पहले भी भारत में कोई भी तरह की कमी नहीं थी बहुत सुख थे अपार सुख आप सबने भी मोहम्मद गजनी को जानते कितने बार वो लूट के गया है 17 टाइम्स तो अभी आप ही सोचो अगर वो 17 बार हमारे भारत के धन को लूट के गया है तो पहले हमारे भारत में कितना प्रॉपर्टी होगा धन होगा आज हम जो देख रहे हैं अमेरिका रशिया पेरिस न्यूयॉर्क ये सब पहले नहीं थे इसलिए भारत को प्राचीन कांड बोलते क्या बोलते एंशिएंट एज क्या बोलते इसी भारत को अलग अलग धर्म में कुछ कुछ नाम देते थे कई लोग इसको देवभूमि स्वर्ग भूमि कहते थे क्या कहते थे और हिस्ट्री में गोल्डन स्पैरो बोलता है और मुस्लिम लोग इसको क्या बोलते हैं जन्नत क्या बोलता है और क्रिश्चियन लोग इसी भारत को क्या बोलते थे हेवन क्या बोलते हैं तो जैसे एक चीज होता है आपने अपना भाषा में चावल बोला किसी ने आकर के राइस बोला किसी ने आकर के बीमू बोला किसी ने आकर के अरसी बोला किसी ने आकर के अक्खी बोला ये क्या बोले तो भी चीज तो एक है नाम बदला लेकिन रूप भी नहीं बदला गुण भी नहीं बदला और उसका कुछ भी चीज का
कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह भारत मना सबसे महान देश। भारत क्या है? सबसे महान देश। इसको महान क्यों कहा गया? यहां उतना ही महानता था। इतिहास के पन्नों को, इतिहास को आप एक बार देखेंगे, उस आपका नजर डालेंगे तो आपको पता चलता है भारत जैसा सुखदाम कहां नहीं था। इसीलिए आज के जमाने में भी भारत के संस्कृति को कई विदेश वाले आकर के सीख के जाते हैं। इधर ही आकर के सभी योगा सीख के जाते हैं, है ना? यही योगा सीख के जाते हैं नहीं? इधर ही आकर के सब भी यहाँ के टूर ज्यादा फॉरिन वाले आकर के देखते हैं नहीं? कल्चर, हिस्ट्री के, सब तरह के फिलोसफी वो सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत को देवी देवता राज्य कहता था। क्या कहता था? इसे देवता क्यों बोलते थे? देखो बच्चे, कोई नहीं, बहुत अच्छी डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसको डॉक्टर बोलता है, MBBS MD किया। कोई नहीं लॉ को पढ़ा, उसको लॉयर बोलता है। कोई नहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसको इंजीनियर बोलता है ना? वैसे भी किसी में अच्छे गुण है, दिव्य गुण है, वैल्यूज है। वैल्यूज आपको बताया ना, नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, पीस, पावर। ये वैल्यूज को अंदर जीवन में धारण किया और उसके जीवन में बहुत पवित्रता का, उसको देवता कहते थे। जो दैवी गुण धारण करते उसको देवता कहते थे। देवता किसको कहते थे? तो आप ही बोलो, जो देवता होता है, दैवी गुण धारण होता है, उसके पास सब कुछ होता है नहीं होता? सब कुछ होता है नहीं होता है? हाँ, हमारा भारत में वैसा एक राज था। कितने साल के पहले? 5000 साल के पहले। उस समय जो पहला आरंभ का काल था उसको हम कहते थे गोल्डन एरा। क्या कहते थे? गोल्डन एरा। बाद में वो बदलते सिल्वर एरा। कौन सा एरा? फिर कॉपर एरा। अभी कलयुग क्या हो गया? आयरन एरा। गोल्ड और आयरन के वैल्यू को कंपेयर किया तो किसका वैल्यू ज्यादा होता है? कोई आप उस आयरन को गोल्ड का पेंट लगा के रखे तो चमक किसका होता है, आयरन का या गोल्ड का? नहीं, आयरन का ही। लेकिन कैसे पता चलता है गोल्ड है या आयरन है? रस्ट, जब रस्ट हो जाता है तब पता चलता है ना। ऐसे ही आज जितने भी पैसा वाला होता है ना, वो समझते है हमारे पास सब कुछ है, बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं चलता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसको हमेशा डर भी होता है। होता है नहीं होता है? किसका डर होता है? किसका डर होता है? चोर का डर। और देखो इतना अच्छा कैच किया इनकम टैक्स वालों का। तो जब डर ही नहीं होता है तो वहां क्या होता है? शांति। जहां शांति होता है वहां क्या होता है? खुशी होता है। जहां खुशी होता है वहां क्या होता है? आनंद होता है ना। तो आज आप बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, ये पढ़ाई सभी किसने आकर के इसका ये किया, इंप्लीमेंट किया? ब्रिटिश। हमको स्वतंत्र किस टाइम में आया? 1947। तो स्वतंत्र आने के पहले यहाँ का पढ़ाई सिस्टम क्या था? गुरुकुल का सिस्टम था। उससे भी पहले भी पढ़ाई था, लेकिन वो देवता का विद्या। कौन सा विद्या? वो देवता विद्या। कैसा होता है पता है बच्चे? आज का जैसा नहीं। आज आपको क्या है, बोरिंग हो क्या हो, एग्जाम के लिए पढ़ना ही है। लेकिन उस समय भी एक तरह की एजुकेशन होता था 5000 वर्ष के पहले। वो एजुकेशन तीन होता था, एक ड्राइंग, एक म्यूजिक, एक आर्ट, दूसरा क्या होता था? हिस्ट्री। क्या क्या होता था? ड्राइंग, म्यूजिक, आर्ट, हिस्ट्री, इतना ही होता था। और वो बोरिंग हिस्ट्री नहीं सिखाता है। आज देखो क्या क्या कल्चर पढ़ने के लिए सिलेबस में डालते, आपको जरूरत भी नहीं, वो सब पढ़ना है। लेकिन पहले क्या होता था? आप बड़े बनेंगे, राज करना है,
तो कैसे राज्य करना है वो सब सिखाते थे उसको, प्रैक्टिकली उसका होता था, थियरी नहीं। आज जैसे किताब लेना, स्टडी करना और मदद करना और एग्जाम में जाकर के याद रख के लिखना, पॉइंट ऑफ मार्क्स के लिए लिखना, वैसे नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब क्या है, जो जीवन में रियलिटी में लाए, ऐसे पढ़ाई होता था तो बोरिंग नहीं होता था। आज आप लोग देखते हैं इंसान क्या क्या खाते, बच्चे क्या क्या खाते हैं, पता है आपको क्या क्या खाते हैं? कई तो पशु पक्षी उसका एक भोजन ही सेलेक्ट करता है, दूसरा नहीं खाता है। चिड़िया क्या खाता है? फल खाता है। कुछ और चीज खाता है क्या चिड़िया? आप जैसे पानी पूरी, पिज्जा बर्गर, हाँ, तले हुए चीज, मसाले चीज, वो खाता है क्या चिड़िया? नहीं। और जो लायन टाइगर होता है वो सभी बोंडा, मसाला पूरी, वो सब दही पूरी, क्या क्या बोलते हैं, वो सब खाते हैं क्या? नहीं। आदमी क्या खाते हैं? क्या क्या खाते हैं आदमी? उधर के, इधर के, सब तरफ भी क्या करते हैं? टेस्ट कर रहे होते है ना। तो देवता जो होते थे ना वो भी खाते थे। आज तो आप सुबह कितने टाइप ऑफ टिफिन आपने करके आया, नाश्ता करके आया, एक या टू टाइप, जो दो दो टाइप का आया है वो आप एक टाइप का हाथ होता। लेकिन देवता कितना प्रकार का खाते थे मालूम है आपको? 36 वेराइटीज, एक एक स्पून। कितने वेराइटीज? एक एक स्पून। क्यों 36 प्रकार क्यों खाना है? आपके बॉडी के लिए कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, कितना फाइबर, कितना आपको बॉडी के लिए सब चाहिए, वो सब 36 में आ जाता था। वो भी नेचर फूड। कौन सा फूड? ऐसे नहीं कि आप नमक डालो, नींबू डालो, ऐसे नहीं। क्योंकि भोजन का पद्धति जो है वो कैसा होता था? सात्विक भोजन, उसको क्या कहते हैं? और उसको दूसरा नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं स्वर्णिम आहार। कौन सा नाम? कौन सा आहार? स्वर्णिम आहार मतलब क्या है? प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। और उनके उनके लाइफस्टाइल कैसा होते थे? आज आप बच्चे तैयारी होना है स्कूल के, तो कितने बजे को उठते हो? हाँ, 4 बजे उठते हो, ताली बजाओ उसके लिए। तो कितने प्रकार के वेराइटीज खाते थे? ये क्या बोलता था, बोले फिर क्या? हाँ, स्वर्णिम आहार पद्धति होता है। क्या है? कनेक्टिविटी, इसके एक के लिए एक होता है, स्वर्णिम आहार होता है। अगर जब ये पद्धति चले गया तब से बीमारी स्टार्ट हो गया। कब से बीमारी स्टार्ट हो गया? जब व्यक्ति हेल्थी फूड को छोड़ दिया। और हाँ, ये पूछता था कौन कितने बजे को उठते, कितने बजे को उठते हैं वो एक रियली उठ के क्या करते, पढ़ते रियली ओके फाइन। अब जो 5 बजे को उठते हो ओके, ऑफ 6 7 जल्दी हेवन जाएंगे आप लोग, 8 बना 5 है ना। तो जो बच्चे 4 बजे को उठते हैं ना, उसको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में सब कुछ सबकॉन्शियस से रिसीव करता है। देवता ये भी उठते थे 4 बजे को ही। आज सबको उठाने के लिए किसको आप बोलते हैं? मम्मी को, पापा को, अलार्म को बोलते हैं, है ना। उस समय पंछी आकर के उठाते थे, कौन उठाते थे? आज सभी का उठने का टाइम सिस्टम बदल गया है करीब में। आज कभी किस किस टाइम, कोई नाइट शिफ्ट करते हैं, 1 बजे को भी उठने वाला है, 2 बजे को भी उठने वाला है, डे में नाइट, नाइट में डे, सिस्टम भी चेंज हो गया, इससे बॉडी का सिस्टम भी चेंज हो गया। लेकिन पहले समय कैसे नहीं थे, वहां के लोगों का सिस्टम कैसे थे, वहां के लोगों का सिस्टम कैसे थे? वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव। कैसे थे? देखो बच्चे, आजकल हम सब देखते हैं हमारे वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज है, एक कंट्री में एक तरह का करेंसी चलता है ना, नहीं? लेकिन भारत में अभी तो कौन सा करेंसी चल रहा है?
रुपीज, लेकिन जो देवता का राज्य था सत्युग बोला जाता है उसको, गोल्डन एज बोला जाता है, उसको वाइकुंठ बोला जाता है, जन्नत बोला जाता है, हेवन बोला जाता है, कुछ भी कहो, उस टाइम पे भी एक करेंसी होता था, उसको कहते थे अशिपिया। क्या कहते थे? क्या कहते थे? हर नहीं, हर, ये आर एस एच आई एफ आई ए, अशिपिया कहते थे। उसका मतलब गोल्ड कॉइंस, डिजाइन गोल्ड कॉइंस। कैसा होता है डिजाइन गोल्ड? उस कॉइन से आजकल की तरह अकाउंट कंप्यूटर वो सब रह करके अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं। उस समय एक सिस्टम था, उसको कहते हैं बॉर्टा सिस्टम। क्या है? कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? बॉर्टा सिस्टम। बॉर्टा मींस व्हाट? एक्सचेंज। जिसके पास जो है वो एक देना और लेना, उसको कहते हैं बॉर्टा सिस्टम। पिछले में सुना है बॉर्टा सिस्टम? सुना है ना? तो पहला जमाने में था। और यहाँ जैसे आप स्नान करने के लिए जो भी यूज करते हैं, कोलगेट पेस्ट, कुछ ना कुछ डिटर्जेंट, वो सब भी वॉशिंग मशीन क्या क्या करने के लिए सब कंपनी आ गया है ना, इंटरनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी सभी आ गए। वैसे पहले नहीं थे, जड़ी बूटियों से पानी आते थे। किससे पानी आते थे? किससे पानी आते थे? जड़ी बूटियों से पानी आता है। जब जड़ी बूटियों से पानी आता है तब वो पानी शरीर को पड़ने पर कुछ भी गंदगी हमारे शरीर में नहीं होता है। और पूरा वातावरण अभी देखो कितना गर्मी, फैन के लिए डिपेंडेंट, एसी के लिए डिपेंडेंट, कूलर के लिए डिपेंडेंट, ऐसे गर्मी नहीं होता है। और आज तो आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ जलाते हैं। उस समय कोई बल्ब वगैरह नहीं होते है। सबको भी एक लाइट मिलता है, वो लाइट डायमंड से मिलता है। किससे मिलता है? आज जो ईंट देखते हैं वो मिट्टी का है ना, वो पहले जमाने में कैसे था? गोल्डन का था। आज आप पॉपुलेशन देखते हैं सारी दुनिया का कितना होता है, 750 करोड़। लेकिन उस समय कितना था पता है? 9 लाख। कितना थे? आज आप सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं सबसे कम्युनिकेट करने के लिए, क्या क्या साइंस की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उस समय पुष्पक विमान यूज करते हैं। क्या यूज करता है? पुष्पक विमान से आज आप कुछ भी करना है साइंस के, उसको कहते हैं वायरलेस एनर्जी। क्या कहते हैं? लेकिन पहला होता है वॉइसलेस एनर्जी। क्या होता है? कौन सा एनर्जी? वॉइसलेस एनर्जी बना, आपने सोचा उनको पहुंचा, आपने सोचा उनको पहुंचा। वायरलेस एनर्जी में क्या होता है? उस पर्सन का मोबाइल नंबर सेव करना, याद करना, आपको दिमाग में रखना, डायल कनेक्ट करना, आप प्रेस करना और टावर को कनेक्ट होना, टावर से उस मोबाइल के जो ये है टावर उससे कनेक्ट होना और आप और वो मिलना। इससे पहले ये थॉट किया तो पहुंच जाता, इसको कहते हैं वॉइसलेस एनर्जी। कौन सा एनर्जी? अभी कलयुग में कौन सा एनर्जी? समझ में आ गया आपको? पहले जमाने में देवताएं जो होता है वो सभी भी आज की तरह कुछ भी, आज आपको जो जो यूज करते हैं उस तरह के यूज नहीं होता है। वहां क्या होता है, पुष्पक विमान से 7 साल का बच्चा भी चला सकता है, क्योंकि नो एक्सीडेंट। अगर इधर देखे तो रोड में जाना भी डर, फ्लाइट में जाना भी डर और स्टीमर में जाना भी डर होता है। वहां प्रकृति सतो प्रदान होता है। कैसे होता है प्रकृति? कोई भी चीज, अगर आप समझो आप सभी एक घर में रहते हैं, अपना ही घर में, वो घर पहले से पुराना है, बाद में पुराना बनता है। पहले कंस्ट्रक्ट होता है, दिन बीतते बीतते पुराना होता है। दुनिया भी आज क्या हो गई? पुराना। तो पहले कैसा था?
तो जो नया दुनिया था उसको सत्युग कहते हैं, जो पुरानी दुनिया है उसको कलयुग कहते हैं। कलयुग माना क्या है, दूसरी नाम बोलो आपको। कलयुग माना काली काली युग, काली हो गई, सब कुछ एम्प्टी, सब कुछ एम्प्टी। समझ में आया, समझ में आया। जो मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के अंदर पशु का गुण आ गया, एक दूसरे क्या करते, लड़ते झगड़ते। कुत्तों को देखा कभी लड़ते हुए, देखा है नहीं, ऐसे मनुष्य लड़ते हैं नहीं, तो गुण किसका हो गया, पशुओं का। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। इस विद्यालय को दूसरा नाम दिया जाता है, सब सुन लो, इसको कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग स्कूल। क्या बोलते हैं, कौन सा बिल्डिंग स्कूल, वहां आपको साइंस मैथ्स सभी सिखाते हैं। यहाँ क्या सिखाते हैं, वैल्यूज को पढ़ाई रूप में पढ़ाता है। क्या पढ़ाते हैं, वैल्यूज मना क्या है, मौलिक। क्या है वैल्यूज मना, मौलिक। तो आप सब समझना है, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आज भी हम जो जो देख रहे हैं वो सब बे मनुष्य के मन का कमजोरी का कारण, किसका कारण, किसका कारण, मनुष्य की कमजोरी का। जब तक माइंड में कमजोर होता है तब तक मनुष्य खुशी से जी नहीं सकते। आज आप देखते हैं कितना ओवर पॉपुलेशन हो गए, लेकिन पहले इतना पॉपुलेशन नहीं थे बच्चे, पहले 9 लाख थे, बाद में वैसे ही बढ़ते 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 सत्युग से त्रेता युग आता है। त्रेता युग के एंड में 33 करोड़ होता है, 33 करोड़, कितना होता है, वहां तक दुनिया में खुशी सुख शांति आनंद रहता है। बाद में एक शत्रु वहां एंटर होता है, एक एनिमी एंटर होता है, वो कौन है मालूम, बॉडी कॉन्शियस। कौन एंटर होता है, आपको बोर्ड दिखा के मैंने समझाया ना, बॉडी कॉन्शियस में क्या क्या गुण होते हैं समझाया ना, वो सब कहां से आता है, एक क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत लड़ाई झगड़ा, ये सभी कहां से एंटर हुआ, कहां से एंटर हुआ, बॉडी समझने से। वो सब कब से शुरू हुआ, सत्युग त्रेता युग के बाद, कौन से युग के बाद, जब वो एंटर हुआ उस युग को कहते द्वापर युग। कौन सा युग कहते हैं, और अभी हम आकर के पहुंचे कलयुग। तो कहां पहुंचे, रात के दिन क्या होता है, रात के दिन क्या होता है, दिन, दिन के बाद क्या होता है, तो ये दुनिया भी कौन सा चक्कर में चलता है, रात दिन के चक्कर में कैसे चलता है, पूरा इस सृष्टि का चक्र एक है, समझो एक दिन के लिए कितना घंटा, सो दुनिया का भी 5000 ईयर्स हो, कितना, एक एक युग के लिए 1250 ईयर्स, 1250, कितना, पूरा मिलके ये दुनिया को 5000 ईयर्स होता है। ये 5000 ईयर्स को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या कहते हैं, इस दुनिया को क्या कहते हैं, अभी भगवान मना, भगवान मना कौन, गॉड सुप्रीम फादर, वो हमको समझाते हैं आप सब बदलेंगे तो विश्व बदलेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन से कौन सा परिवर्तन। आज हम सभी इतने भाषाएं बोलते हैं, लेकिन पहले भाषा देवताओं का भाषा एक ही होता है, वो आप सब जानते हैं। अभी आप कौन सा भाषा बात कर रहे हैं, सत्युग में भी हिंदी होता है, उसको देवनागरी भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलता है, ऐसे भाषा ही वहां होता है। आजकल क्या क्या निकल गया, जापानीज वो कोरियन, क्या क्या भाषा आ गए ना, कच कच पच पच, क्या 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 बात करते हैं, वो सब भाषाएं पहले नहीं होती। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। तो ऐसे दुनिया जहाँ कोई तरह दुख नहीं, अशांति नहीं, कोई तरह का शोर मचोर नहीं, बोरिंग नहीं, आनंद ही आनंद रहता है, वो दुनिया में आप सब आना चाहते हैं, जो जो आना चाहता है हाथ उठो। इतने वाले, इतनों के लिए आने के लिए बुक रिजर्वेशन कर देंगे, भाई साहब सभी का रिजर्वेशन कराइए, सभी को रिजर्व हो जाता है सीट,
सभी को रिजर्व हो जाता है। आपके साथ आपका मम्मी पापा को भी लेके आना है। लेके आएंगे? लेके आएंगे। उसके लिए और कुछ नहीं करना है, रोज रोज आधा घंटा मेडिटेशन करना। क्या करना है? सुबह सुबह अपना माइंड चार्ज करना है। क्या करना है? इतना किया तो आप आ जाते हैं। इजी ना? इजी आर नो? ऐसा नो? ऐसे दुनिया जहां कोई तरह भी दुख नहीं, अशांति नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, ऐसे दुनिया में जाने के लिए हम सबको क्या करना है? ईश्वरीय ज्ञान सुनना है। क्या सुनना है? समझ में आया आपको? तो हम केवल अभी के लिए नहीं, हमारा फ्यूचर भी अच्छा होना है तो ऐसा जीवन जीने के लिए अच्छा संस्कार रिकॉर्ड करना है, अच्छा सॉफ्टवेयर अंदर क्रिएट करना है, उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग। समझ में आया? राजयोग मीन्स व्हाट? अपना भाग्य का सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड राजयोग। राजयोग मतलब क्या है? अपना कौन सा सॉफ्टवेयर? भाग्य का सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो जो देवताएं होता है वो सभी भी कभी भी किसी प्रकार से भी दुख में नहीं होता है, वो हमेशा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तीन रहता है। क्या रहता है? आज की दुनिया के जैसे वहां दो चीज नहीं होता है, सभी सुनो, वहां बीमारी नहीं होता है इसलिए हॉस्पिटल नहीं होता है, मेडिकल फील्ड नहीं होता है, और वहां कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है इसलिए कोर्ट और जेल वो भी नहीं होता। समझ में आ गया आपको? वो सब समझ में आ गया आपको? वहां इस तरह की दुनिया होता है, और पीने का पानी भी कैसा होता है पता है? इतना प्योर होता है, वो दूध की जैसा रहता है। दूध बना पानी दूध नहीं, दूध जैसा क्वालिटी होता है, मना वहां दूध की नदियां बहती है। कौन सी नदियां? दूध की नदियां। तो सब तरह से परफेक्ट 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 होता है, इसलिए उस दुनिया को क्या कहते हैं? सुखदाम। क्या कहते हैं उस दुनिया को? क्या कहते हैं? आप बच्चों को भी ऐसे जीवन जीने के लिए, अपना भाग्य को अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को भी क्या करना है? अपना समय अपने भाग्य के लिए रोज आधा घंटा देना है बस। इसलिए आप सबको भी मेडिटेशन सीखना है, आपके छुट्टी के दिन में आकर के इधर मेडिटेशन सुनो।